कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सेवाकुर इस संस्था द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर को जनता के लिए उपलब्ध कराया है। इस वक्त उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। शहर में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, स्थिति से निपटने के लिए उचित योजना बनाने की जरूरत है, ऐसी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत काम कर रही सेवाकुर इस संस्था द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर को जनता के लिए उपलब्ध करवाते दौरान वे बोल रहे थे। इस वक्त उन्होंने बताया कि यह संस्था जनता को मेडिकल और फिजिकल एडवाइस देने वाली है। रेमडेसिवीर दिले गेले आता ते लोक आमचेच आहेत, त्यांनाही दिलं गेलं पाहिजे, पण शेवटी सरकारला न्यायोचित काम करावं लागतं। सरकारकडे जर स्टॉक कमी असेल तर कुठे पेशंट आहेत, कुठे अधिक पेशंट आहेत, त्याचा विचार करून सरकारने दिलं पाहिजे, परंतु असं होत नव्हतं आणि म्हणून माननीय उच्च न्यायालयाला त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला। आणि मला असं वाटतं की आता त्या हस्तक्षेपानंतर निश्चितपणे ही रेमडेसिवीरची परिस्थिती बदलेल। तसंही केंद्र सरकारने आता रेमडेसिवीरच्या संदर्भात जवळजवळ त्याचं प्रॉडक्शन हे दुपटीपेक्षा जास्त केलेलं आहे, पण अपेक्षा करू की लवकरच या संदर्भात जी काही परिस्थिती आहे ती परिस्थिती बदलेल। देवेंजी, आणखी निवेदन हे मी कालच दिलेलं आहे, ते वृत्तपत्रांनी छापलेलं आहे, आपल्या इकडे या लेखी निवेदनाच्या पेक्षा जास्त सांगण्याची आवश्यकता नाही। भाऊ हिंदी मत। हायकोर्टने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र में रेमडेसिविर के बारे में सरकार की ओर से उसका जो आवंटन हो रहा था वो बहुत ही गलत तरीके से हो रहा था। कुछ मंत्री अपने विभागों में बहुत बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर ले जा रहे थे और नागपुर जहां पेशेंट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है वहां पर एक दिन सिर्फ 500 रेमडेसिविर, एक दिन एक भी नहीं, इस प्रकार से बिल्कुल अलग प्रकार से ये सारा कार्य चल रहा था। और इसका संज्ञान स्वयं माननीय उच्च न्यायालय ने दिया और कल उन्होंने सरकार को ये कहा कि रात को 8 बजे तक 10,000 रेमडेसिविर ये नागपुर को सरकार ने देने चाहिए, और साथ साथ ये भी कहा कि आपके पास जो स्टॉक है उस स्टॉक को आप पेशेंट्स कहाँ कितने इसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, न कि कौन पावरफुल मंत्री है उसके आधार। इस वक्त फडणवीस ने पत्रकारों से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में जो निर्णय लिया गया उसका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि जिस जगह संक्रमण ज्यादा है उस जगह पहले इंजेक्शन भेजे जाए। मला असं वाटतं की एकतर मी माननीय उच्च न्यायालयाचे आभार मानेन, कारण रेमडेसिविरच्या वाटपामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात भेदभाव होत होता आणि 2 दिवस तर असे आहेत की ज्या 2 दिवसात एका दिवशी नागपूरला फक्त 500 रेमडेसिविर आले आणि एका दिवशी एकही आला नाही, आणि त्याचवेळी आपण बघितलं तर महाराष्ट्राच्या इतर भागांमध्ये जिथे मजबूत मंत्री आहेत किंवा मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात रेमडेसिविर दिले गेले। आता तेही लोक आमचेच आहेत, त्यांनाही दिलं गेलं पाहिजे, पण शेवटी सरकारला न्यायोचित काम करावं लागतं। सरकारकडे जर स्टॉक कमी असेल तर कुठे पेशंट आहेत, कुठे अधिक पेशंट आहेत, त्याचा विचार करून सरकारने दिलं पाहिजे, परंतु असं होत नव्हतं आणि म्हणून माननीय उच्च न्यायालयाला त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला। आणि मला असं वाटतं की आता त्या हस्तक्षेपानंतर निश्चितपणे ही रेमडेसिवीरची परिस्थिती बदलेल। तसंही केंद्र सरकारने आता रेमडेसिवीरच्या संदर्भात जवळजवळ त्याचं प्रॉडक्शन हे दुपटीपेक्षा जास्त केलेलं आहे, त्यामुळे आपण अपेक्षा करू की लवकरच या संदर्भात जी काही परिस्थिती आहे ती परिस्थिती बदलेल। बता दें कि नागपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना के चलते स्थिति भयावह होने से शहर में तुरंत 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के आदेश न्यायाधीश शुक्री और न्यायाधीश मोडक ने राज्य सरकार को दिए, जिसका कई नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।